अल्लाहु अकबर 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال الله تعالى في القران المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تخشوهم واخشوني صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد خواتین و حضرات اللہ کا بے پایا احسان ہے आज का दिन उसने हमें अता फरमाया। आज हमारी ईद है, आज ये खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन है, शादमानी का दिन है। दुनिया में दीगर कौमें ईद मनाती हैं तो उनके असबाब बाहर की दुनिया में होते हैं, लेकिन मुसलमान जब ईद मनाता है तो ईद की खुशी का सबब उसके अंदर होता है। चूँकि पूरा एक महीना उसने एक अजीम इबादत में गुजारा, रोज़े की इबादत, पूरा महीना रातों में खड़े होकर कुरान की तिलावत करता रहा, बहुत सी नेकियां मोमिन इस महीने में करता रहा, गुरबा परवरी करता रहा, गमगुसारी और हमदर्दी करते रहे। ये वो वजूहात थीं जिसके नतीजे में हमारी रूह आज मसर्रत से शादमां है। आज हम खुश हैं कि अल्लाह की तौफीक से हमने एक पूरा ट्रेनिंग का महीना गुजारा है। इस्लाम में खुशी के लिए अंदर सबब मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ खुशी का बैरूनी मजहर भी अल्लाह ताला ने हमें उसकी इजाज़त दी। अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, ईदगाह की तरफ आए, नमाज अदा करें, घर वापस लौटें, अच्छे खाने खाएँ, रिश्तेदारों से मुलाकात करें और तफरीह के जो जायज़ तरीक़े हैं उन सब तरीक़ों से आज मसर्रत खुशी हासिल की जाए, ये जायज़ अमल है। आज अल्लाह का दिया हुआ ये खुशी का दिन है, ये नेमत का दिन है, ये इबादत का दिन है। आज हदीसों से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन से बेइंतहा खुश होता है, आज उनसे वो खुश होता है, राज़ी होता है, उनकी इबादतों को कबूल करता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है। आज कन्वोकेशन का डे है, आज सर्टिफिकेट हासिल करने का डे है, आज ग्रेजुएशन डे है। लेकिन ये तरीक़ा कि खुशी अल्लाह ताला ने दी और हम कहें कि खुशी नहीं मनाएंगे, यह इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जिनके यहाँ खुशी नहीं है किसी वजह से, उन्हें गम से निकाला जाए और आज हमारी खुशी में उन्हें शरीक किया जाए। सदक़तुल फितर इसीलिए है कि जिन घरों में खुशी मनाने के असबाब मौजूद नहीं हैं उन्हें गम से निकालने के लिए आज सदक़े फितर देकर ईद की खुशी में उन्हें शरीक करना है। बाज़ मरतबा हालात संगीन होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम लोगों के साथ गम में शरीक होते हैं, यह इस्लाम का शेवा नहीं है। लोगों के साथ गम में शरीक नहीं होना है आज के दिन, गमगीन लोगों को आज खुशी में शरीक करना है, यह इस्लाम की तालीम है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। रमज़ान के अगर हमसे पूछें दो हासिल क्या हैं तो दो हासिल यह हैं कि एक तक़वा है और दूसरा कुरान है। दिन में रोज़ा रखते थे उसका हासिल तक़वा है, रातों में कुरान पढ़ते थे उसका हासिल ये है, वो भी तक़वा है, और कुरान ज़िंदगी की रहनुमा किताब है। ख़वातीन और हज़रात, तक़वा का एक माना यह है कि अल्लाह से डरना,
मैं आपसे पूछता हूं कि जो अल्लाह ताला से डरेगा क्या वो दुनिया में किसी और चीज से डरेगा? बिल्कुल मुमकिन नहीं। जो खुदा से डरता है वो सारी दुनिया से निडर होता है। जो खुदा की चौखट पर सर झुका देता है वो किसी जगह सर नहीं झुकाता। जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए उसके दिल में कोई और खौफ समा नहीं सकता। रमज़ान का यह हासिल है। रमज़ान के जाने के बाद भी अगर हम गलती से हालात से मुतासिर होकर खौफ का शिकार हैं, डर का शिकार हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक्वा की रूह हमारे अंदर सुरायत नहीं कर गई है। तक्वा यह है कि खुदा से डरना है। खुदा से डरें तो दुनिया में किसी और के डर की ज़रूरत नहीं है। ये तक्वा का पैगाम है, यह रमज़ान का लेसन है। हालात कैसे ही क्यों ना हो हमें पुर उम्मीद रहना है। हमें मालूम होना चाहिए, अभी मैंने जो नमाज में आयतें तिलावत की उसमें भी कहा गया कि जहन्नमियों की ग़िज़ा ज़क़ूम, कांटेदार फल और पीप का धुअन, ये जहन्नमियों की ग़िज़ा है, उनका खाना और पानी है। इसी तरह दुनिया में इख्तदार के जो भूखे होते हैं उनके लिए हेट स्पीचेस, डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन ग़िज़ा की हैसियत रखते हैं। इसे खाए बगैर वो इख्तदार पर नहीं रह सकते। मजबूरी है जहन्नमियों की ज़क़ूम का खाना और पीप का पीना। इसी तरह हर हाल में इख्तदार से चिमटे रहने वालों की मजबूरी है हेट स्पीचेस के ज़रिए से और डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए से इख्तदार पर काबिज़ रहा जाए। ख़वातीन हज़रात, मुझे ये बताइए कि डरने वालों से कहीं डरा जाता है? भाई जो साइल होता है भिखारी, कहीं साइल से कोई सवाल करता है, भीख मांगता है? नहीं मांगता, हिमाकत है। साइल से कोई सवाल नहीं करता। डरने वालों से कोई डरता है? हिमाकत है। डर किसको था? मुसलमान मक्के में मुट्ठी भर थे, उंगलियों में गिन सकते थे। डर मुसलमानों को था या अबू जहल को था? रसूलुल्लाह को डर था या अबू लहब को डर था? डर किसे था बताइए? क्या मुसलमानों को डर था? क्या सहाबा इकराम को डर था? क्या वो डरते थे? जान का नजराना पेश किया, माली कुर्बानियां पेश की, सब कुछ पेश किया और थे मुट्ठी भर, लेकिन डर उनको था जो इख्तदार पर थे। अबू जहल को था, अबू लहब को था। डरने वालों से नहीं डरा जाता है। आज भी एक छोटा सा टोला है जिसे डर है। इस्लाम का जो सादा मैसेज है, इस्लाम के अंदर जो जाज़िबियत है, इस्लाम के अंदर जो मसावात है, इस्लामी तालीमात की जो सादगी है और इस्लामी तालीमात की फितरत से हम आहंगी है, यह ऐसी चीज़ है कि इसे रोका नहीं जा सकता। लोग इसकी तरफ कशां कशां चले आ रहे हैं। डर है कुछ लोगों को इस्लाम से मुतासिर ना हो जाएं। डर है कुछ लोगों को कि इस्लाम की कुव्वत बढ़ ना जाए, इसलिए वो तरह तरह की कानून साजियां करते हैं। डरने वालों से आप डरेंगे? मैं नौजवानों से खुद बिलखसूस आज एड्रेस करके कहना चाहता हूं, डरने वालों से नहीं डरा जाता। इस्लाम की तरफ जो रग़बत है इस शदीद तरीन ज़माने में भी, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले चेन्नई की एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक सोशल वर्कर, उसने इस्लाम कबूल किया। पहले से फेसबुक में, बरसों से उसकी तकरीर में देखता रहा। हक बात कहती थी, तौहीद की बात कहती थी, लेकिन अभी उसने इस्लाम कबूल किया। काबतुल्लाह में जाकर उसने अशहदुल्ला इल्ला इल्लल्लाह व अशहदुन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का वीडियो क्लिप लोगों को भेजा। उसने बताया कि ये जो माहौल हिंदुस्तान में पैदा किया गया, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं इस्लाम क्या है। वाकईतन मुसलमान इतने बुरे हैं? क्या इस्लाम, उनका मजहब उनको यही तालीम देता है जो बयान किया जाता है मीडिया में? मैंने जैसे जैसे कुरान का मुताला किया, मुझ पर हकीकत खुलती चली गई और आज मैं मुसलमान हूं। उसने मुसलमानों से कहा
یہ غلطیاں آپ نے کی ہیں کہ برس ہاں برس سے قرآن کو تم نے اپنی تجوریوں میں چھپا رکھا تھا۔ آج اس ملک کے ایک ایک بندے خدا کی ضرورت ہے اس کتاب کو پہنچانے کی۔ میں درخواست کرتی ہوں تم لوگوں سے کہ قرآن کو باہر نکالیے اپنے الماریوں سے اور تجوریوں سے اور عوام کو پہنچائیے، عوام اس کے پیاسے ہیں، یہ اس کا پیغام ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی یہ کشش باقی ہے، آج بھی لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، خواہ وہ گرگاؤں میں نماز کا ایشو ہو، خواہ وہ حجاب کا ایشو ہو، یہ تمام امور میں خیر کے پہلو نکل رہے ہیں۔ سنجیدہ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں کہ نماز کیا ہے، اخبارات میں آپ نماز پر ایک بڑے آدھا پیج کا آرٹیکل لکھ نہیں سکتے۔ گرگاؤں کے واقعات کے نتیجے میں دسیوں آرٹیکل ہندوستان کے بہت بڑے بڑے اخبار میں آ چکے۔ حجاب پر آپ عام دنوں میں آرٹیکل نہیں لکھ سکتے۔ عورت کا اسلام میں جو مقام ہے، حیا کا جو آئیڈیا ہے اسلام میں، لباس کا جو کانسیپٹ ہے، اور انٹر سیکس کی جو منگلنگ ہے، دونوں صنفوں کے درمیان ملنا جلنا خلط ملط، اس کے بارے میں اسلام کے جو صاف شفاف اس کی تعلیمات ہیں، اس پر آپ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حجاب کے ایشو نے کتنے لوگوں کو مجبور کر دیا پڑھنے اور لکھنے کے لیے۔ یہ تو حالات ہیں، اسی سے تو ڈرا جا رہا ہے، اور اس کے عوض میں آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، اور نوجوان ہیں کہ ڈرتے جا رہے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آسٹریلیا چلے جانا چاہتے ہیں، ہم کینیڈا چلے جانا چاہتے ہیں، ہم نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں۔ کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ موت سے بچنے کے لیے؟ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گردن بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، سنو، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تمہیں نیوزی لینڈ میں بھی آ کر ملاقات کرے گی، کینیڈا میں بھی آ کر ملاقات کرے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو موت آ کر تمہیں دبوچ لے گی، تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی بنی اسرائیل وہ ڈرتے ہی موت سے، اور مشرکین موت سے ڈرتے ہیں، مومنین موت سے نہیں ڈرتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایک فرد چاہتا ہے کہ لمبی زندگی ملے، ہزار ہزار برس کی زندگی ملے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین کا بھی حال یہ ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، ان کے کیے کرتوت ایسے ہی کہ اللہ سے ملاقات کے لیے ان کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتے، ہزار ہزار برس کی زندگی چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو جان سے ڈر، موت سے ڈر، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ موت برحق ہے، موت آنی ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے۔ اور اگر حق کے راستے میں موت آ جائے تو کامیاب ہیں آپ، اگر حق کی دفاع میں موت آ جائے تو کامیاب ہیں، انسانیت کی حفاظت کے لیے موت آ جائے کامیاب ہیں۔ جان کا نذرانہ اگر پیش کر دیا جائے خدا کے راستے میں، اس سے سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک آیت کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کوٹیشن ہمارے سامنے پیش کیا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُنَا أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں میں موحد ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، تم جن جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا، بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے امن کا سزاوار کون ہے، امن کا مستحق کون ہے، کس کے دل کے اندر امن اور شانتی ہو سکتی ہے؟ جو موحد ہے اس کا دل سکون آشنا ہوتا ہے، اور جو جگہ جگہ ڈنڈوت بجاتے ہیں،
कभी उनका कल्ब सुकून आशना नहीं होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोटेशन अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान में कोट करके बताया। नौजवानों से मैं यही कहना चाहता हूं, जितनी जिंदगी मिली है उसे अल्लाह के रास्ते में लगाने का फैसला आज के दिन कीजिए। रोजी रोटी के लिए 7-8 घंटे आप लगाते हैं, ठीक है, बाकी औकात को आप पर्पसफुल गुजारिए, मुताला करें, अच्छी चीजें लिखें आप सोशल मीडिया में, बच्चों की तरबियत करें, बीवी से मोहब्बत करें, घर वालों से मुलाकातें करें, हिंदुस्तान के आम भाइयों से मुलाकातें करें, कुरान उन्हें दें, मुताला करने के लिए लिटरेचर दें, हो सके तो मस्जिद को लेकर आइए। अभी रमज़ान में दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी के तलबा आए थे मस्जिद का दौरा करने के लिए, मस्जिद दर्शन के लिए आए थे, आपकी नमाजों को उन्होंने देखा, मस्जिद के माहौल को देखा, वजू को देखा, उसके बाद 1 घंटे का सेशन हुआ, इस्लाम के मुतालिक उनके सवालात, उन्होंने सवालात की बौछार की, उसके जवाब दिए गए। वापस लौटने के बाद प्रोफेसर साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा और बहुत शानदार बातें उन्होंने लिखी, मुसलमानों की नमाज को देखकर तलबा कैसे मुतासिर हुए, हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है वजू का उसको देखकर कैसे मुतासिर हुए, इस्लाम के सिलसिले में जो मिसकंसेप्शन हैं उनका बयान सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है बाज़ बातों से हम इत्तेफाक ना करें लेकिन बहुत सी बातें समझ में आई। मस्जिद का दर्शन करवाइए, कुरान पहुँचाइए, दोस्ती कीजिए, पुलिस ऑफिसर से मुलाकात कीजिए, कलेक्टर से मुलाकात कीजिए, ऑफिसर से मुलाकात करें और उन्हें ये सारी चीज़ें दें, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कुरान मैंने कहा कि इस रमज़ान का हासिल है, कुरान अगर पढ़ते ही तो हर मर्तबा कुरान कोई नया अनोखा नुक्ता आपके सामने देता है, रहनुमाई करता है। रमज़ान में आपने सूरह कहफ का मुताला किया होगा, सूरह कहफ में 4 वाक़यात बयान किए गए हैं, चारों वाक़े में दीवार का जिक्र है, कंपाउंड का जिक्र है, 3 तो फिजिकल बैरियर कंपाउंड ही दीवारें हैं और एक विजुअल बैरियर, जैसे खेती में अतराफ से दरख्त लगा दिए जाते हैं वो कंपाउंड है लेकिन उसे हम विजुअल बैरियर कहते हैं, फिजिकल बैरियर नहीं। कुरान हमें बताता है कि तौहीद की दावत कुछ नौजवानों ने अपने शहर में आम की, उसके नतीजे में मुखालिफत हुई, उन्हें कहा गया कि तुम्हें संसार कर देंगे, उन्होंने अपनी हद तक तौहीद की दावत को आम किया और उसके बाद उन्हें यह सुझाई दिया कि जाकर गार में पनाह ले लिया जाए। 300 साल तक सो गए, सोलार कैलेंडर के हिसाब से, लूनार कैलेंडर के हिसाब से 309 साल तक सो गए, फिर अल्लाह ताला ने उठाया, फिर लोगों को मालूम हुआ कि ये उस जमाने के नौजवान ही जिन्होंने तौहीद की दावत आम की। अब लोगों के दरमियान ये तनाजा हुआ कि हमारा रिश्ता इनके साथ है, रिश्ता जोड़ने में, निस्बत जोड़ने में, ताल्लुक बनाने में शर्फ महसूस करते हैं कि ये नौजवान हमारे खानदान के हैं, और कहा कि हम इनके कब्र के तरफ दीवार उठाएंगे, हम मज़ार बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। नौजवानों दोस्तों मैं कहता हूं कि आज भी ये मौजिज़ा सादिर हो सकता है कि आप तौहीद की दावत को आम कीजिए, आज मस्जिद के गेट गिराए जाते हैं, 100 साल 200 साल के बाद यही लोग मस्जिद बनाएंगे, आपके कब्रों पर मस्जिद बनाएंगे, आपके यादगारें बनाएंगे और कहेंगे कि ये रहमत है हिंदुस्तान के लिए। कुरान हमें नसीहत करता है, बताता है कि नौजवान हों तो ऐसे हों। दीवार के बारे में एक और दीवार का जिक्र है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर एक बस्ती में जाते ही तो एक दीवार है जो गिरी जा रही है, उसे थाम लिया, उसे तामीर कर दिया उस घर को, क्योंकि उसके नीचे यतीमों का माल रखा हुआ था। ये हज़रत खिजर फरिश्ता हैं, हज़रत मूसा नबी हैं, नबियों वाला काम यह है कि गिरती दीवार को थामा जाए, फरिश्तों का काम है कि गिरती हुई दीवारों को थामा जाए, शैतानों का काम है खड़ी हुई दीवार को गिरा दिया जाए। फरिश्तों का और नबियों का काम है कि आने वाली नस्लों का माली तहफ्फुज़ किया जाए, शैतानों का काम यह है कि आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया जाए, फ़कीर और खल्लाश कर दिया जाए। कुरान बताता है कि आप किधर हैं, आप अगर हिज़्बुल्लाह हैं, आप नबवी काम में लगे हुए हैं, तो इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के नहीं, जिन जिन की दीवारें गिर रही हैं उन दीवारों को आप थामेंगे।
जिन जिन यतीमों का माल की हिफाजत करने की जरूरत आप महसूस करेंगे, आप हिफाजत करेंगे। कुरान हमें बताता है कि दीवार गिराते नहीं, दीवार बनाते ही मुसलमान। एक बादशाह था ज़ुल्क़रनैन, आदिल बादशाह वो होता है जिसके पास लोग आते हों, उसके दीवाने खास में आकर अपनी शिकायतें पेश करते हों, और बादशाह इतना फराग दिलों के हफ्ते में एक मरतबा लोगों से मुलाकात कर ले। ऐसा नहीं है, आदिल बादशाह वो होता है जो अवाम के दरमियान जाता है, अवाम के दुख दर्द को पहचानता है, अवाम की तकलीफ को महसूस करता है। ज़ुल्क़रनैन ने एक्सपेडिशन के ट्रैवल किया, एक दिन ईस्ट की तरफ गया, एक मरतबा वेस्ट की तरफ सफ़र किया, एक मरतबा नॉर्थ की तरफ सफ़र किया। वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ फसादी आते हैं, कुरान ने कहा मुफसिदून, यहाँ बलवाई आते हैं, यहाँ रायटर्स आते हैं, बस्ती में फसाद मचाते हैं, घरों को गिरा देते हैं, माल लूट कर ले चले जाते हैं, ऐ बादशाह कोई तहफ्फुज़ का काम कीजिए। तो बादशाह ने ज़ुल्क़रनैन ने कहा मैं एक दीवार बना देता हूँ, फसादियों को रोकने के लिए दीवार बना दिया आदिल बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने। जालिम बादशाह होते हैं दीवारों को गिराते हैं, फसादियों को मौका देते हैं। आदिल बादशाह वो होते हैं जो फसादियों को रोकते हैं और दीवार खड़ी कर देते हैं। कुरान का मुताला करें तो हर जमाने के लिहाज से आपको रहनुमाई मिलेगी। कुरान बताता है ईमान वाले वो होते हैं जिन पर लोग आगे चलकर उनसे नस्बत जोड़ते हैं। नबियों वाला काम और फरिश्तों का काम यह है गिरती दीवार को थामते हैं। आदिल हुक्मरान वो होते हैं जो फसादियों को रोकते हैं और फसाद के रास्ते में दीवार बनकर वो खुद खड़े हो जाते हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर देते हैं। ये दूसरा पैगाम है आज ईद का कि हमें इन हालात में कुरान से रहनुमाई हासिल करनी है और हमें वो किरदार अदा करना है असहाब कहफ का, हमें हजरत मूसा का किरदार अदा करना है, हमें हजरत खिजर का किरदार अदा करना है, हमें ज़ुल्क़रनैन का किरदार अदा करना है। ये दूसरी बात है। तीसरी और आखिरी बात मैं ख़वातीन को एड्रेस करूँगा। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, ये हालांकि इंसानियत का आधा हैं लेकिन हकीकत यह है कि निस्फ बेहतर हैं, हाफ बेटर हैं, इसलिए कि आइंदा नस्लों की तकदीर इनके हाथ में है, आइंदा नस्लों की तरबियत इनकी गोद में है। ये दीनदार होंगी तो आइंदा नस्लें दीनदार होंगी, ये कुरान के शहदाई होंगी तो आइंदा नस्लें कुरान के शहदाई होंगे, ये अगर इस्लाम से वाबस्ता हों तो आइंदा नस्लें इस्लाम से वाबस्ता होंगी। मेरी माओं से, बहनों से, बेटियों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम तो कम अज़ कम अल्लाह ताला के पास 8 घंटे का हिसाब थोड़ा सा आसानी से देकर निकल जाएंगे, इसलिए कि हम जॉब में लगे हुए हैं, हमारे 8 घंटे का हिसाब ज़रा निकल जाएगा आसानी से, हम जॉब में लगे हुए, काम में लगे हुए। ख़वातीन के पास घरेलू काम काज के अलावा जो वक्त बचता है दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, उसका हिसाब उनको देना है। हमारे जो 10, 12, 14 घंटे होते हैं उसका हिसाब देंगे तो उसमें 8 घंटे तो जॉब के निकल गए। अब आपको 10-12 जो घंटे निकलते हैं उसमें वक्त कहाँ सर्फ होता है? वक्त अगर बातों में, वक्त अगर सोशल मीडिया में, वक्त अगर गीबत में, वक्त अगर सीरियल्स और सिनेमा में गुजरता है तो इसका हिसाब किताब देना होगा, कठिन हिसाब किताब होगा। ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आइंदा नस्लों का ख्याल करते हुए उन्हें संजीदा होना पड़ेगा। मर्दों के लिए जुमे के खुतबे होते हैं, वहाँ दीन की बातें सुन लेते हैं, मर्दों के लिए मीलाद की मजलिसें होती हैं, मर्दों के लिए कुछ और सेशंस होते हैं, ख़वातीन के लिए कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ इंतज़ाम नहीं है। मैं ख़वातीन से चाहूँगा कि वो इज्तिमाइयत से वाबस्ता हों, छोटी छोटी जमातें बनाएँ, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएँ, कुरान का मुताला करें जैसे कि रमज़ान में वो किया करती थी, इज्तिमात करें, दीन से वाकिफियत हासिल करें। और ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी सबक है पेरेंटिंग, बच्चों की तरबियत। हमारे माँ बाप के लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, वो ज़माना इतना पुरफितन नहीं था, आज पुरफितन ज़माना है। आज हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का मुकाबला उस वक्त कर सकती हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जब उन्हें पेरेंटिंग का गुर मालूम हो, पेरेंटिंग का स्किल मालूम हो, कैसे फन परवरिश को सीखें और जाने के बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। और अगर बच्चों की सही तरबियत कर लेंगे तो उम्मत का बेड़ा पार है, उम्मत का मुस्तकबिल रोशन है। अगर हमारी औरतें अपना वक्त ज़ाय करती हैं तो ये लिख लीजिए कि हमारी उम्मत का मुस्तकबिल तारीख है। तो औरतों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले ज़माने में कि वक्त का ख्याल रखें, वक्त की कदर करें और अपने आप को इल्म से लैस करें, सलाहियतों से लैस करें, टैलेंट्स पैदा करें, अपनी नई नस्ल की अच्छी तरबियत की कोशिश करें। यह उनकी जिम्मेदारी है।
खवातीन हजरात में अपनी गुफ्तगु ख़त्म कर चुका। मैंने नौजवानों को भी एड्रेस किया और मैंने बताया कि कुरान हमें तालीम देता है फ़ला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे न डरो मुझसे डरो, और जो खुदा से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा। खुदा से जो मोहब्बत करेगा वो सारे बंदों से मोहब्बत करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि कुरान हमारी रहनुमाई करता है और हमें अच्छे किरदार का हामिल इंसान बनने की तालीम देता है। मैंने बताया कि औरतों के हाथ में उम्मत का मुस्तकबिल है, वो इंशाल्लाह अगर लिखेंगी तो एक शानदार मुस्तकबिल लिख सकेंगी। ये बातें हैं आज ईद के लिए जो मैं अपने दोस्तों, नौजवानों और ख़वातीन के सामने पेश करना चाह रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आने वाले एक साल में रमज़ान से जो कुछ हासिल किया उसे अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के अज़्म करने की तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान के बाद लोग देखें और ख़ुद हम देखें तो हमें पता चले कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत ये साल हमारा बहुत ही कारगर गुजर रहा है। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। अकुलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। Thank you.